आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पवन सिंह की मैंने उनको सजन चुन लिया और सलमान खान की भारत की टक्कर हो रही है बिहार में। जी हाँ, सलमान खान और पवन सिंह, जिन्हें भोजपुरी का सलमान खान कहा जाता है, इन दोनों की टक्कर हो रही है। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि इन दोनों की टक्कर हो, लेकिन जब भी इन दोनों की टक्कर हुई है, हमेशा जीत पवन सिंह की हुई है। तो अब देखना इस बार दिलचस्प होगा कि भारत आगे निकलती है या फिर पवन सिंह की मैंने उनको सजन चुन लिया। आपको बता दें कि मैंने उनको सजन चुन लिया को अभी तक बिहार और झारखंड में बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। और यही बिहार और झारखंड में की बात करें तो इसके पहले जो पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर रिलीज हुई वो 12 हफ्तों तक चली है, और वहीं भारत को बिहार में मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मैंने उनको सजन चुन लिया मल्टीप्लेक्सेस में भी रिलीज़ हुई है, और साथ ही इन्हें कई सिंगल स्क्रीन पे भी रिलीज़ किया गया है। और भारत के साथ भी ऐसा हुआ है कि फिल्म कई सिंगल स्क्रीन और कई मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ हुई है बिहार और झारखंड में, लेकिन इस फिल्म को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है पवन सिंह की फिल्म के आगे। पवन सिंह की फिल्म को बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस है, और आपको बता दें अगर रिस्पांस ऐसा ही रहा, पवन सिंह की फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह लगातार बिहार और झारखंड में ही पवन सिंह की ये दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हो जाएगी इस साल की। वैसे आपको बता दें कि जब भी बॉलीवुड स्टार भोजपुरिया स्टार्स के साथ पंगा लेते हैं, या यूँ कह लें कि उनके साथ फिल्में रिलीज करते हैं, तो हर बार बिहार और झारखंड में उन्हें मुँह की ही खानी पड़ती है। ज़्यादातर कवरेज भोजपुरिया स्टार उठा ले जाते हैं। इसके पीछे कई रीज़न है। इसके पीछे रीज़न है कि मल्टीप्लेक्सेस में टिकट्स महंगे होते हैं, और सिंगल स्क्रीन पर यानी कि जहाँ भोजपुरी फिल्में रिलीज होती हैं उसके टिकट काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, जनता आराम से फिल्म अपने बजट प्राइस में देख सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है कि इन स्टार का स्टारडम यूपी बिहार में काबिले तारीफ़ है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर वहाँ चाहे सलमान हो, आमिर हो, शाहरुख हो, अमिताभ हो, कोई भी हो, लेकिन पवन खेसारी निरहुआ की फिल्में रिलीज़ होती हैं तो लोग उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।